लिफ्ट में कुत्ते ने काटा, तड़पते हुए छोड़ गई महिला। कुत्ते से प्यार करने वाली महिला को नहीं दिखा मासूम का दर्द। यूपी के गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन की एक सोसाइटी के लिफ्ट में पालतू कुत्ते ने मासूम बच्चे को काट लिया। बच्चा लिफ्ट में रोता रहा, दर्द से कराहता रहा, लेकिन कुत्ता मालकिन का दिल नहीं पसीजा। देखिए कैसे ये बच्चा दर्द से कराहते हुए लंगड़ा रहा है। लेकिन महिला ने उसकी तरफ मदद का हाथ तक नहीं बढ़ाया। बच्चा बिलखता रहा, लेकिन महिला ने उसे प्यार से सहलाया तक नहीं। दर्द के कारण बच्चा जमीन पर पैर भी नहीं रख पाता और लंगड़ाने लगता है। जब महिला जाने लगती है तो उसके कुत्ते ने फिर से बच्चे को काटने की कोशिश की। बच्चा अंदर बिलखता रहा, लेकिन महिला अपने कुत्ते को लेकर निकल गई। गाजियाबाद के नंदनगर थाना पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। कल दिनांक 5 सितंबर की शाम को राजनगर एक्सटेंशन स्थित चैम्स कैसल सोसाइटी की लिफ्ट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें कि कुत्ता मालकिन की मौजूदगी में कुत्ते ने एक बच्चे को काट लिया। उक्त संदर्भ में बच्चे के पिता की तहरीर के आधार पर थाना नंदग्राम में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है तथा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। इस घटना ने फिर एक बार साबित कर दिया कि शहरों में रहने वाला हर व्यक्ति प्रगतिशील या सभ्य नहीं होता। ये जरूरी नहीं है कि वो लोग सेंसिटिव हों। दूसरों के बच्चों के प्रति ऐसी बेरुखी रखने वाले लोग संस्कृति की दुहाई देते नहीं थकते। अब जरा सोचिए, जाति के नाम पर होने वाले अपराधों में इस तरह के लोगों का क्या रवैया रहता होगा। इस बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ बीक।